हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद जमीर। यस्टरडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 11 ऑफ योर माय इंग्लिश बुक 6। टुडे वी विल सी पेज नंबर 12। ओके, कल हमने पेज नंबर 11 के एक्सरसाइज सॉल्व किए। आज पेज नंबर 12 हम देखेंगे। पेज नंबर 12 पर सबसे पहले हमको क्या नज़र आता है? सबसे पहले है यहाँ पर एक क्वेश्चन। किमाया इज़ राइटिंग लेटर्स टू डिफरेंट पीपल। एक लड़की है किमाया, वो अलग अलग लोगों को ख़त लिख रही है। हेल्प हर टू चूज़ द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच लेटर। हर लेटर के लिए मुनासिब एक्सप्रेशंस, अल्फाज और जुमलों का जो है आपको इंतखाब करना है। सबसे पहले किसको किसको लिख रही है लेटर, किमाया देखेंगे हम। लेटर इज़ एड्रेस्ड टू, सबसे पहले किमायाज फादर, सबसे पहले अपने फादर को लिख रही है। दूसरा, किमायाज यंगर ब्रदर। तीसरा, किमायाज फ्रेंड। चौथा, किमायाज बॉस। पांचवा, द मैनेजर ऑफ हर बैंक। और छठा, मिसेस बेंद्रे हु लिव्स इन द सेम कॉलोनी। उनके जो पड़ोसन हैं मिसेस बेंद्रे, उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको बिगिन विथ, मतलब किसको लिखेगी लेटर, उस वक्त कौन से जो है अल्फाज से उनसे मुखातिब होगी या एड्रेस होगी, वो यहाँ पर आपको जो है ये बॉक्स इस तरीके से बना के उसमें फिलअप करना है। सबसे पहले किमायाज फादर, फादर को लेटर लिखेंगे तो स्टार्ट में क्या लिखेंगे, डियरेस्ट डैडी। उसके बाद किमायाज यंगर ब्रदर, छोटे भाई को लिखेंगे, क्या लिखे, माय डियर बिट्टू। उसके बाद किमायाज फ्रेंड, दोस्त को लिखे तो हाय मीता, दोस्त का नाम मीता है। उसके बाद किमायाज बॉस, बॉस को लिख रहे हैं तो मैडम। उसके बाद द मैनेजर ऑफ हर बैंक, उनके बैंक के मैनेजर को लिखती है लेटर, तो क्या लिखेंगे, टू द मैनेजर बैंक ऑफ पीपल, या जो भी बैंक रहा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, जो भी है। उसके बाद लास्ट, जब मिसेस बेंद्रे हु लिव्स इन द सेम कॉलोनी, मिसेस बेंद्रे को लिखे तो क्या लिखेंगे, डियर मिसेस बेंद्रे। ये होगा एकदम स्टार्ट का, बिगिन विथ लेटर, जिससे शुरू करेंगे। उसके बाद लास्ट लाइंस, लेटर के आखिरी जो लाइंस रहेंगी वो क्या लिखेंगे। ठीक है, फादर को लिखेंगे तो लव एंड वार्म रिगार्ड्स। उसके बाद यंगर ब्रदर को टेक केयर, किमायाज फ्रेंड को सी यू सून। उसके बाद बॉस को लिखेंगे तो थैंक यू। उसके बाद द बैंक मैनेजर रिगार्ड्स। उसके बाद मिसेस बेंद्रे हु लिव्स इन द सेम कॉलोनी को लॉट्स ऑफ लव, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले, ये बिगिन विथ में, फर्स्ट वाले जो है ये बिगिन विथ में आपको भरना है, और ये लास्ट लाइंस में ये पिंक वाले में से आपको भरना है। और अभी लास्ट है साइन ऑफ विथ, आखिर में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आखिर में जो फादर है, फादर के लिए यहाँ पे लिखेंगे योर लविंग डॉटर। ठीक है, उसके बाद यंगर ब्रदर के लिए योर वन एंड ओनली सिस्टर। उसके बाद किमायाज फ्रेंड के लिए योर्स, और मिसेस बेंद्रे के लिए भी योर्स लिखेंगे। ठीक है, किमायाज बॉस के लिए क्या लिखेंगे, योर फेथफुली, और द मैनेजर ऑफ हर बैंक, उनके लिए लिखेंगे योर्स सिंसियरली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इस तरीके से आपको ये होमवर्क है, ये बॉक्स ऐसा बना के आपको फिलअप करना है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है और
आगे दिया गया है, यू कैन यूज़ फ्रेंडली इनफॉर्मल लैंग्वेज विथ योर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। आपके करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है, उनके साथ एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गैर रस्मी लैंग्वेज, जैसा कि कैसे आप, क्या चल रहा और सब अच्छे क्या घर में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग टू अदर्स यू हैव टू यूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। तो आपको उस वक्त अपने अल्फाज बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑन सच ओकेजन्स सम टिपिकल पोलाइट एक्सप्रेशंस आर यूज्ड। ऐसे मौके पर कुछ ख़ास जो है अल्फाज का, नरम दिली से इस्तेमाल करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने दोस्त को, अपने घर वालों को लिखते हैं तो हम उतना फॉर्मल नहीं बनते हैं। बैंक मैनेजर को ऐसा हम नहीं कह सकते कि और बैंक मैनेजर साहब, क्या चल रहा, आपके घर में सब अच्छे है क्या, इस तरीके से हम जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मदर टंग। नीचे दिए गए अल्फाज को आप अपनी मादरी ज़ुबान में कितने जो है अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तर्जुमा उसका कर सकते हैं। राइट द डिफरेंट ट्रांसलेशंस, अलग अलग ट्रांसलेशंस इनके लिखिए। जैसा कि अंग्रेज़ी में चाचा, मामू, खालू, फूफा सबको सिर्फ अंकल ही बोलेंगे, है ना। लेकिन हमारे पास खालू अलग होता है, चाचा अलग होते हैं, मामा अलग होते हैं, फूफा अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हमको उस तरीके से यहाँ पे करना है। सबसे पहले है अंकल, अंकल को हम क्या क्या कहेंगे, चाचा, मामा, खालू, फूफा, ठीक है। आंट, आंट किसे कहेंगे, चाची को कह सकते हैं, खाला को, फूफी को और मामी को। उसके बाद ग्रैंडफादर, दादा और नाना दोनों को भी ग्रैंडफादर कह सकते हैं। ग्रैंडमदर, दादी और नानी। अब कज़िन, कज़िन अंग्रेज़ी में बहुत सारे रिश्तों को कज़िन कहा जाता है, जैसा कि समझो चचाजाद भाई, चचाजाद बहन, दोनों भी क्या हो गए, कज़िन। खालूजाद भाई, खालूजाद बहन, दोनों कज़िन। फूफाजाद, फूफीजाद भाई, फूफीजाद बहन, कज़िन। और मामूजाद भाई, मामूजाद बहन, कज़िन, यानी कि चचेरा भाई, चचेरी बहन, खलेरा भाई, खलेरी बहन, मुमेरा भाई, मुमेरी बहन और फुपेरा भाई, फुपेरी बहन, इन सबको हम कज़िन कहते हैं, ठीक है। लास्ट, राइट द टर्म्स ऑफ एड्रेस यू यूज़ फॉर योर रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स। अब अपने रिलेटिव, रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स को आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं, मतलब किस तरीके से उनको पुकारते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, संजू मामा, काका जोबा, जैसा कि फिर कोई भी आपके चाचा है, खलील चाचा या राजू भैया, ऐसा आप कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं वो आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 12। ओके, थैंक यू।